गुड मॉर्निंग स्टूडेंट माई सेल्फ योगेंद्र त्यागी टुडे वी विल डिस्कस अगेन एक्सरसाइज 2.1 क्लास सेवंथ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर्थ आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर लेंथ 12 वन अपॉइंट टू सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ब्रिथ 10 टू अपॉइंट थ्री सेंटीमीटर वाइड फाइंड द पेरीमीटर students first we note the length length of paper sheet is 12 1 upon 2 centimeter 12 1 upon 2 is a mixed number mixed fraction 12 is a whole number and 1 upon 2 is a proper fraction first Student, we change mixed fraction into improper fraction 12 to 24, 24 plus 1, 25 upon 2 centimeter. Breath equal to 10, 2 upon 3 centimeter. This is also a mixed fraction and change into improper fraction 10 3/30 30, 2 32 upon 3 centimeter. student length 25 upon 2 breadth 32 upon 3 according to question find the perimeter of this rectangular sheet of paper perimeter ऑफ शीट ऑफ पेपर इक्वल टू टू लेंथ प्लस ब्रिथ फॉर्मुला इज टू एल प्लस बी पुट द वैल्यू टू लेंथ ट्वेंटी फाइव अपॉन टू ब्रिथ थर्टी टू अपॉन थ्री इक्वल टू टू फर्स्ट स्टूडेंट वी फाइंड द एल्शियम ऑफ डिनोमिनेटर टू एंड थ्री इज सिक्स टू थ्री जा सिक्स एंड थ्री मल्टीप्लाई ऑफ ट्वेंटी फाइव इक्वल टू सेवेंटी फाइव प्लस थ्री टू जा सिक्स टू को मल्टीप्लाई कर दें थर्टी टू को से सिक्सटी फोर इक्वल टू टू मल्टीप्लाई सेवेंटी फाइव प्लस सिक्सटी फोर कितना होगा नाइन वन थर्टी नाइन अपॉन सिक्स स्टूडेंट टू वन जा टू टू थ्री जा सिक्स वन थर्टी नाइन अपॉन थ्री वन थर्टी नाइन अपॉन थ्री को हम चेंज कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में स्टूडेंट थ्री फोर जा ट्वेल्व वन थ्री फोर जा ट्वेल्व थ्री फाइव जा फिफ्टीन रिमेनिंग फोर फोर्टी फाइव फोर अपॉन थ्री सेंटीमीटर दिस इज perimeter ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर क्लियर चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करें स्टूडेंट 139 थर्टी नाइन अपॉन थ्री को जब हम डिवाइड कर रहे हैं यहां पर तो ये फाइव की जगह ये सिक्स तक डिवाइड हो सकता है स्टूडेंट इसे थोड़ा हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं थ्री फोर जा ट वन नाइनटीन हो गया और थ्री सिक्स जा एटीन थ्री सिक्स जा एटीन वन रिमाइनिंग तो फोर्टी सिक्स वन अपॉन थ्री सेंटीमीटर ये आंसर होगा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एट स्टूडेंट और क्वेश्चन नंबर एट नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज टू पॉइंट वन माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन सेवन अपॉन ट्वेल्व आवर्स वेव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन थ्री अपॉन फोर आवर्स बाय बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज़ इट वोंगर माइकल किसी पिक्चर को कलरिंग वर्क को सेवन अपॉइंट ट्वेल्व आवर में कंप्लीट करता है सेम उसी पिक्चर को वेब थ्री अपॉइंट फोर आवर में कंप्लीट करता है कलरिंग वर्क अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड हु वर्क लॉन्गर किसने ज़्यादा समय तक काम किया बाय वट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर और कितने समय ज़्यादा किया उस आंसर को फ्रैक्शन में हमें यहाँ पर शो करना है स्टूडेंट तो देखिए माइकल क्वेश्चन नंबर एट फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर Equal to seven upon twelve hours. Web finished coloring a picture. इन थ्री upon फोर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हु वर्क लॉन्गर किसने ज्यादा टाइम तक वर्क किया तो स्टूडेंट यहां पर देखिए वैभव ने फिनिश किया है वर्क को ज्यादा टाइम तक इसने थ्री अपॉइंट फोर आवर का टाइम लिया है और यहां पर माइकल ने सेवन अपॉइंट ट्वेल्व आवर का टाइम लिया है तो वैभव टेक लॉन्गर टाइम इक्वल टू थ्री अपॉन फोर माइनस सेवन अपॉन ट्वेल्व इक्वल टू एल्सियम ट्वेल्व फोर थ्री जा ट्वेल्व थ्री थ्री जा नाइन ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व सेवन टू अपॉन ट्वेल्व आवर सो स्टूडेंट वैब ने लोंगर टाइम टेक किया है कलरिंग द सेम पिक्चर और कितना टाइम ज़्यादा लिया है यहां पर टू अपॉइंट ट्वेल्व आवर बट स्टूडेंट आप यहां पर सोच रहे होंगे कि कैसे हम फाइंड करें कि इसमें से टाइम जो है कौन सा लॉन्गर है सेवन अपॉइंट ट्वेल्व और थ्री अपॉइंट फोर तो इसके लिए स्टूडेंट यहां पर देखिए मैं बताऊं आपको आप चेक कर सकते हैं सेवन अपॉन ट्वेल्व एंड थ्री अपॉन फोर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए सेवन फोर जा ट्वेंटी एट ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स देखिए यहां पर थर्टी सिक्स ग्रेटर देन ट्वेंटी एट हमें यहां पर पता चल चुका है कि वैभव ने ज्यादा टाइम यूज किया है कलर करने में पिक्चर को किससे माइकल से तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन में हमें यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा सेवन फोर 28 ट्वेंटी एट ट्वेल्व थ्री थर्टी सिक्स तो देखिए यहाँ पर जो वैभव का टाइम है वो ग्रेटर है किससे माइकल के टाइम से क्लियर स्टूडेंट सो आई होप दैट स्टूडेंट एक्सरसाइज टू पॉइंट वन में हमने इस वीडियो में भी और प्रीवियस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए आपको क्लियर हो गए होंगे कि फ्रैक्शन को हम कैसे ऐड करते हैं सब्टैक्ट करते हैं या इनका यूज़ करते हुए हम कैसे पैरिमीटर फाइंड करते हैं रेक्टेंगल का इस एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करें नोटबुक में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन थैंक यू वेरी मच